1888 ईस्वी को तीर्थनी तमिलनाडु में हुआ था। यह एक बेहद ही निम्न फैमिली से बिलोंग करता था, लेकिन फिर भी अपने मेहनत और लगन के बल होते यह धीरे धीरे समाज के एक अच्छे शिक्षक के रूप में आए। लेकिन इनकी योग्यता और विनम्रता को देख करके भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें उपराष्ट्रपति के पद पर सुशोभित करने का मौका दिया गया। मैं बता दूं कि जब इनके बारे में कहा जाता है कि जब इनके जन्मदिन को एक बार सेलिब्रेट करने के लिए इनके कुछ दोस्त कुछ साथी जब ये राष्ट्रपति बने थे जब एकत्रित हुए तो कहा जाता है कि इन्होंने कहा कि मेरे जन्मदिन को राष्ट्रपति के रूप में नहीं बल्कि मेरे जन्मदिन को एक शिक्षक के रूप में ही मनाने का आप लोग निश्चय करें। और वही हुआ भी, जब शिक्षक के रूप में इनके जन्मदिन को मनाना शुरू किया गया तो कहा जाता है उसी समय से मेमोरेंडम जारी किया कि भारत में पूरे देश में सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म को हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में मनाने का निश्चय करें। और यही हुआ, 1962 से ही इनके जन्मदिन को एक शिक्षक के रूप में मनाया जा रहा है, जबकि 1962 में ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दूसरे राष्ट्रपति और ये पहले राष्ट्रपति के पद पर सुशोभित हो चुके हैं। ये एक साधारण सा घर से निकल करके एक बहुत ऊंचे पद तक पहुंचे जो कि भारत का सबसे श्रेष्ठ पद है। मैं बता दूं कि भारत का राष्ट्रपति भारत का सबसे सर्वोच्च पद होता है और यह एक शिक्षक रह करके एक शिक्षक के पद से इतनी ऊंचाई तक के पद को पहुंचे ये इनके लिए इनकी विद्वता का यह परिचय। मैं बता दूं आपको कि आप लोग जो आए हैं मेरे संस्थान में पढ़ने के लिए, सबसे पहले तो मैं आपका इस शिक्षक दिवस के अवसर पर मैं इस बीएसपी कोचिंग सेंटर के संस्थापक होने के नाते मैं आपका इस कोचिंग सब की प्रांगण में आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। अवसर पर मैं आपसे बस यही कहना चाहता हूं कि आप इन महापुरुषों से सीख लें। शिक्षक एक ऐसा व्यक्ति होता है जो आपको खुद वही रख करके अपने सामने वाले भविष्य को बहुत आगे तक पहुंचा देता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम आपके ही बीच में हैं और वही रविंद्र कुमार हैं या आपके द्वारा रविंद्र सर कहे जाते हैं, लेकिन आज ये शंकर ये कस्तूरी और एक लड़का इस बार भी दरोगा में पास हुआ है, वो लड़का संजीव नाम है या ऐसे कुछ नाम है, पुल है नाम। ये लड़का जो पास किया है, आप ये कहीं ना कहीं जब किसी थाना में डिप्यूट होंगे किसी थाना की प्रभार दी जाएगी तो ये इलाके का एक बहुत बड़े क्या कहते हैं सिस्टम को वहां संभाले। एक थाना में कई गांव और कई पंचायतें होती है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप अपने जीवन में किसी भी जगह हैं, यदि आप किसी भी नौकरी में सफल होते हैं तो भी, और यदि सफल नहीं भी होते हैं तो भी, क्योंकि मैं मात्र ये 7 और 8 साल के जो इस शिक्षा का मेरा कार्यकाल है, शिक्षा देने का कार्यकाल है, इस बीच में हम देख रहे हैं कि हमारे कई छात्र अभी समिति मुखिया और कई कई छात्र आंदोलन का लीडिंग कर रहे हैं, कई पंचायत में अपना सेवा दे रहे हैं, और ढेर सारे ऐसे हैं जो कई स्टेशन मास्टर हैं, तो किस कोई अग्नि में क्या करते साथ सेवा में है, तो कोई दरोगा और कोई रेलवे में विभिन्न पदों पर अपनी अपना अपना सेवा दे रहे हैं। और 2014 के बाद जो इस बार बहाली फाइनल हुआ बिहार SSC का, इसमें 5 लड़का मेरे पढ़ाए गए जो मेरे मतलब अब जिनके जिनके नाम को जानते हैं, ये मेरे द्वारा पढ़ाया गया 5 लड़का इस बार बिहार SSC में सफल हुआ है। तो 2022 में उसका रिजल्ट फाइनल किया गया बिहार सरकार के द्वारा कई बार ये एग्जाम लेने के बाद। तो मैं बता दूं ये सब जो लोग पद पर जाएंगे तो हम सबसे पहले आपको ये कहना चाहते हैं ये शिक्षक दिवस के अवसर पर कि हम बार बार आपको क्लास में भी बोलते रहते हैं
या धरती पे ना कोई कुछ लेके आया है और ना कोई कुछ लेके जाएगा। ये धरती आज से 5000 पहले वर्ष से भी हम लोग जान रहे हैं, जैसा कि आपको इतिहास हम बताते हैं 25 ईसा पूर्व से ऋग्वेदिक काल से, और अभी 22 ईसा पूर्व है, 22 ईस्वी है सॉरी, तो ये लगभग 5000 वर्ष लगभग पूर्व रहा है। मेरे ख्याल से आप ये 5000 वर्ष से आप नहीं है, लेकिन ये भारत 5000 वर्ष से है। मेरे कहने का मतलब है हम और आप इस धरती पे आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन मेरा कहना है कि जिस जगह पे हमारे पूर्वज इस धरती को इस भारत को छोड़ के जाते हैं, मेरा फर्ज बनता है, आपका फर्ज बनता है कि इसको उससे आगे डेवलप करके ले जाए। ये हम लोगों का फर्ज है। और इसी बीच में हम लोग कुछ गलत कर जाते हैं, कुछ चंद पैसों के लिए, कुछ चंद इनकम के लिए हम कभी कभी देश के साथ गद्दारी कर बैठ जाते हैं। मैं आपको यह कहूं कि यदि आप इस कोचिंग संस्थान में यह शिक्षक दिवस मना रहे हैं, तो मैं आपके एक शिक्षक होने के नाते मैं आपको इतना जरूर कहूंगा कि आप किसी भी पद पे जाइए या समाज के किसी भी क्षेत्र में सेवा दीजिए, आप कहीं भी या देश या राज्य में कहीं भी सेवा दीजिए, तो मैं कहूंगा कि आप कहीं भी रहिए, कुछ भी करिए, लेकिन देश को बचाए रखिए। प्राणों का भी नुछावर देना पड़े तो अपने प्राण का भी नुछावर दीजिए, क्योंकि देश है तब हम है, हम है तो देश नहीं है। इसीलिए आपसे यह विनती करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं, आपके सभा भी जाइएगा, कल यदि किसी नौकरी में भी चले जाइएगा और किसी भी पद पर, या तो हो सकता है कि कहीं आप विधायक एमपी भी बन सकते हैं, जिला पार्षद मुखिया समिति सरपंच बन सकते हैं, कोई भारी बात नहीं है, क्योंकि आज के नौजवान हर एक पद पर देखा जा रहा है, क्योंकि इस बार 2021 में जब चुनाव हुआ पंचायत चुनाव, इसमें सबसे ज्यादा युवाओं की भागीदारी रही, इससे लेकर के 21 वर्ष के युवाओं ने इस बार पंचायत चुनाव में भाग लिया। इसका मतलब है कि युवा अब देश के लिए जग रहा है। इसीलिए मैं आपको कहूंगा कि आप जो शिक्षा लेने के लिए आए हैं, ये जरूरी नहीं है कि सबके सबको शिक्षा में लेने के बाद सब नौकरी ही हो जाएगी। यदि नौकरी नहीं भी होगा तो आप अभी समाज में जहां भी हैं और जो काम कर रहे हैं वह काम आप ईमानदारी पूर्वक करिए। यही मेरा आज आपको दिया गया एक उपहार है, यही मेरा एक वचन है कि आप इस वचन को मानते रहिएगा। यदि आप हमें अपना गुरु मानते हैं, आप अपने शिक्षक मानते हैं, आप हमें हमारा मार्गदर्शक मानते हैं, तो मैं आपसे बस यही कहूंगा कि आप जब भी कहीं भी यदि हो सके तो समाज का एक सेवक बनिए, क्योंकि समाज आपकी तरफ टकटकी लगा के देख रहे हैं, समाज आपको देख रहे हैं, और समाज के साथ साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर है मेरे नौजवानों, आपके मम्मी पापा जो आपको अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए भेजते हैं। सबसे पहले आपका उद्देश्य यह है कि अपने मम्मी पापा के द्वारा जो पसीना का एक एक कमाया हुआ वो पैसा है, उस पैसा का एक एक कतरा कतरा आपको जरूर निश्चित रूप से ये होना चाहिए कि आप उन गरीबी का जवाब या उन मेहनत का जवाब एक नौकरी या एक अच्छा जॉब लेकर के दें जो आपके मम्मी और पापा का इच्छा है, तभी उनका है वो जो है सम्मान वो जो मिलेगा। जब तक आप उनको अपना ये नौकरी जिसके लिए आए हैं, सरकारी नौकरी हो या जो बेहतर चीज हो, आपको जब तक करके नहीं देते हैं, तब तक उनका ये आशा और विश्वास टूटा रहेगा। मैं आपको बस यही कहूंगा कि आप जब आए हैं मेरे पास पढ़ने के लिए, कहीं भी पढ़ रहे हैं, तो आप शहर में आए हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं, और आप किससे यही रिक्वेस्ट है कि आप यदि पढ़ते हैं तो मेहनत और लगन के साथ पढ़िए। समय को इधर उधर नहीं है, और इसीलिए तो बार बार हम कहते हैं कि वक्त को जिस जिसने समझा उसे बेचना भी पड़ा है, वक्त को जिस जिसने नहीं समझा उसे बेचना भी पड़ा है। तलवारों से भी यदि बच गया तो फूलों से भी कटना पड़ा है। बड़ी जिंदगी की बात राह बड़ी जटिल है नौजवानों, बड़े बड़े चट्टानों को भी नदी के मुहाने से इस युवा अवस्था में कुछ करने के लिए, इसके लिए आपको यही समय है सबसे उपयोग करने का। आप अपने समय को बचाइए, समय को इधर उधर के इन्वॉल्व से उसको बचा करके आप अपने आप को एक किताब के साथ खालिए, जिससे कि आपका आने वाला भविष्य बेहतर हो, आपका परिवार बेहतर हो, और आपको देख करके आने वाला समाज का बच्चा आपसे सीख ले कि फल्ला भाई जी या फल्ला ने ऐसा किया, मैं भी उनकी तरह बनूंगा। ये आपके लिए सीख है, आप बच्चे को भी सीख देंगे, क्योंकि आप अपने गांव के भविष्य हैं। इसीलिए मेरा यही कहना है, यदि आप शहर में आए हैं पढ़ने के लिए तो पढ़िए, जो उद्देश्य आए हैं उस उद्देश्य को पूरा कीजिए, यही मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। इसीलिए मैं आपसे बस यही कहूंगा
कि आप इस शिक्षक दिवस के अवसर पर यह कसम खाइए कि हम शहर में पढ़ने के लिए आए हैं, पढ़ने के अलावा हमें कुछ नहीं करना है, और जब तक हासिल करना नहीं है तब तक लौट करके घर नहीं जाना है। इसीलिए मैं कहूंगा कि समय बहुत कम है और इस समय को सदुपयोग कीजिए, और आने वाले समय में बहुत बड़ी बहाली आ रही है। सरकार बहाली देंगे क्योंकि सरकार के ऊपर विपक्ष इस बार बड़ा जोर शोर से लगा हुआ है। इसीलिए मैं आपसे कहूंगा कि हो सके तो कम से कम समय में भी आप निकाल सकते हैं, यदि मेहनत कीजिएगा तो कम से कम समय में जो बहाली आएगा उसको अटेंड कीजिए और पढ़ने में दिन रात एक कर दीजिए, सफलता आपकी चरम चुनेगी। ये गारंटी है सफलता आपकी चरम चुनेगी, क्योंकि मेहनत कभी बेकार नहीं जाता है। यदि दिन रात एक करके आप तपस्या करते हैं, जिस प्रकार संत को तपस्या लगातार करने के बाद भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उसी प्रकार आपको भी एक ना एक दिन वो मंजिल मिलेगा, जिस मंजिल को पाने के लिए अपने घर को छोड़कर आप शहर में जा रहे हैं। मेरा यही कहना है कि आप देश को पूरा करने के लिए आए हैं, उस गरीबी को मिटाने के लिए आए हैं। जो कभी जाते होंगे तो आपको अपने मम्मी पापा को देख करके शर्म आता है, इतने के मम्मी पापा के बदन पर सही से कपड़ा नहीं रहता है। आप अलग बात है, शहर में आकर के बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहन करके बढ़िया बढ़िया जूता पहन करके घूमते रहते हैं, और आप ये 18 से 25 हजार 30 हजार 40 हजार 50 50 हजार का मोबाइल रखते हैं। ये उन्हीं का देन है कि आपके हाथ में इतने मोबाइल है, इतना बड़ा मोबाइल है, इतने बड़ा पैसा आपके पास में देता है पढ़ने के लिए, वो मम्मी पापा आपका बहुत बड़ा मदद कर रहे हैं। लेकिन आपका उद्देश्य है युवा अवस्था को इसको संभाल करके सही जगह उपयोग कीजिए, और तभी आपकी भलाई है, और ये भलाई उस दिन साबित हो जाएगा जिस दिन आपके घर नौकरी का ट्रेनिंग लेकर आएगा। उस दिन आपके घर का क्या खुशी होगा ये बयां सिर्फ वही कर सकता है जिनके घर में कभी नौकरी हुआ होगा। इसीलिए मैं आप अभी मेरे पास आए हैं तो मैं आपको यही आपको कसम खिलाऊंगा कि आप अभी आए हैं तो निश्चित रूप से पढ़िए। आप चंद समय के लिए फोन पर समय व्यस्त कर देते हैं, मैं आपको बीता हुआ समय बताता हूं। कई लोगों के देखा पर हमने प्रैक्टिकल देखा है, कुछ नहीं मिलता है। हम बार बार कहते हैं कुछ नहीं मिलता है, और जिस मिलेगा उसी दिन, जिस दिन आप सफलता ले लीजिएगा, सफलता जिस दिन मिल जाएगी उस दिन दुनिया की तमाम चीज आपको मिलेगी। इसीलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि आप यदि आए हैं तो आप मेहनत कीजिए, और मेहनत करके सफलता अर्जित कीजिए, तब जाकर के आपने ये असली अपने परिवार के लिए अपने समाज के लिए वो तब जाके साबित होगा। इसीलिए मैं आपसे बस यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जिस उद्देश्य के साथ, जिस एम के साथ, और जिस माँ और बाप का इच्छा को पूरा करने के लिए आए हैं, वो आपका पहला प्राथमिकता होना चाहिए, और उस चीज को पा करिए सफलता का पूरा करिए, और तब जाकर के आपका ये असली मकसद पूरा होगा।